हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं मुराद बेग और इस वक्त मैं हूं बेंगलोर इंडिया में। आज हम बेंगलोर की एक मशहूर जो मार्केट है वहां पे जा रहे हैं और उस स्ट्रीट का नाम है ब्रिगेड स्ट्रीट, ब्रिगेड मार्केट। वहां पे बहुत सारी शॉप्स हैं और शॉप्स के अलावा काफ़ी सारी खाने पीने की जगहें भी हैं। क्योंकि मैं यहाँ पे मैच देखने आया था तो मैच देखने के बाद मेरे पास इतना टाइम नहीं था कि मैं बेंगलोर की बाकी सारी चीज़ों को एक्सप्लोर करता और सारी चीज़ें देखता, लेकिन अभी मेरे पास थोड़ा सा टाइम था तो मैंने सोचा चलो बेंगलोर का जो है एक छोटा सा व्लॉग कर लेता हूँ, जिसमें आप लोगों को पैदल बेंगलोर घुमाता हूँ। तो देखते हैं जी, आगे जा रहे हैं, आपको आगे भी दिखाते हैं बेंगलोर को, जिसने ख़ास तौर पे पाकिस्तान में काफ़ी सारे लोगों ने बेंगलोर सिटी को एक्सप्लोर नहीं करा होगा और उनको नहीं पता होगा कि बेंगलोर कैसा दिखता है, कैसा लगता है। तो आप देखें, आपको पता चलेगा कि बेंगलोर एक इंतहाई खूबसूरत शहर है, बहुत साफ़ सुथरा शहर है और इसको सिलिकॉन वैली भी कहा जाता है। ये इंडिया का आईटी सेंटर भी है। तो आप देखिए, आपको पीछे रोड पे गाड़ियाँ भी जाती नज़र आ रही होंगी, रोड भी नज़र आ रही होगी। बहुत ही खूबसूरत शहर है, ग्रीनरी बहुत अच्छी है यहाँ की, यहाँ के खाने बहुत अच्छे हैं, पीसफुल शहर है। आप ऐसे रोड पे आराम से चल सकते हैं अपने कैमरे के साथ और आपको कोई जो है वो परेशानी नहीं होगी। देखें ऊपर कितनी ग्रीनरी आ रही है। जहाँ पे मैं चल रहा हूँ ये फुटपाथ है और फुटपाथ के ऊपर जो है वो सारी ग्रीनरी है। जगहों का तो मुझे नहीं पता कि यहाँ पे पीछे कौन कौन सी बिल्डिंग्स हैं, क्या जगहें हैं, क्या है। यहाँ पे सामने में अब देख सकता हूँ ये स्कूल है, सेक्रेड हार्ट गर्ल्स हाई स्कूल। ये आपको स्कूल नज़र आ रहा होगा, ये स्कूल है यहाँ पे। किसी ने मुझे बताया कि आगे जाके जो है वो थोड़ी दूर सीधा जाके वहाँ पर जो है वो ब्रिगेड स्ट्रीट है, जहाँ पे मुझे बहुत सारी शॉप्स मिलेंगी और वहाँ पे मुझे पता चलेगा कि कैसी शॉप्स हैं, वहाँ पे क्या ख़रीदारी हो रही है। आज क्योंकि सैटरडे है, लेकिन मुझे नहीं पता कि ये नॉर्मल ट्रैफिक है डेली का या सैटरडे की वजह से कम है, लेकिन ये कि जितना भी ट्रैफिक है काफ़ी अच्छा है। चलें फिर आगे चलते हैं और आगे देखते हैं कि आगे क्या हो रहा है। तो अब हम जा रहे हैं, सामने का दिखा रहा हूँ आपको, ब्रिगेड रोड की तरफ। देखिए आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा कितना खूबसूरत शहर है, कितना साफ़ सुथरा है। ट्रैफिक भी बहुत ज़्यादा जो है वो डिसिप्लिन्ड है, जैसे कि इंडिया के दूसरे शहर हैं जो बड़े शहर हैं, ख़ास तौर पे मुंबई, वहाँ पे ट्रैफिक जो है वो इतना ज़्यादा डिसिप्लिन नहीं है, लेकिन यहाँ पे बहुत डिसिप्लिन है। ओके, okay।
बेंगलुरु जो है वो कर्नाटका में है, तो यहाँ की लैंग्वेज भी जो है वो कन्नड़ा है। तमिलनाडु के बहुत करीब है तो तमिल, और खैर लोग तो कहते हैं कि तमिल और कन्नड़ा जो है वो दोनों अलग अलग जो है वो ज़बानें हैं, सेम नहीं हैं। लेकिन जाहिर सी बात है जिसको दोनों ही ज़बानें नहीं आती उसको दोनों ज़बानें ही तकरीबन एक जैसी दिखती हैं। बेसिक मकसद तो खैर ये है वीडियो बनाने का कि आपको बेंगलोर सिटी दिखाया जाए कि बेंगलोर देखने में कैसा है, कैसे यहाँ पे जो है वो ज़िंदगी गुजारी जा रही है, कैसे जो है वो रोज़ाना की बुनियाद पे लोग चल रहे फिर रहे हैं, काम कर रहे हैं, क्या उनकी रूटीन है। तो उससे आपको पता चलेगा कि ये शहर में जो है वो क्या हो रहा है। तो ये जो है वो आ गया है अब सेंट पैट्रिक चर्च, सामने आपको एक बहुत अच्छा जो है वो नज़र आया है बिल्डिंग। एम्बुलेंस भी जा रहा है, ये मेन जैसे ऐसा लगता है कि सिटी सेंटर आ गया है बिल्कुल, जिसको बोलते हैं कि शहर का कल्ब आ गया है। और यहाँ पे सारा जो है वो सारी शॉप्स और सब जगहें आ गई हैं। अब यहाँ पे किसी से पूछते हैं भाई के ब्रिगेड रोड कहाँ पर है ताकि वो बताएं हमें। हम पूछते हैं किसी से यहाँ पे ब्रिगेड रोड जो है वो कहाँ पर है। तो जनाब यहाँ पे पता चला है कि यहाँ पे सामने है ब्रिगेड रोड, तो पैदल पैदल जाते हैं ब्रिगेड रोड की तरफ, देखते हैं यहाँ पे क्या है। यहाँ पे शूज़ की भी दुकान नज़र आई यार, कितना ज़बरदस्त शूज़ है यहाँ पे। हम जो है इस शूज़ को देखते हैं, ओहो अरे यार सामान बहुत है, शूज़ भी बड़े अच्छे हैं यहाँ पे, सारे शूज़ हैं सारे इतने ज़बरदस्त। हेलो हाउ आर यू, दिस शूज़ ऑल फ्रॉम बेंगलोर? हाँ ज्योतिष ज्योतिष राजस्थानी पंजाबी डिफरेंट ओके Gents also, we have ladies, gents. You also have gents as well? Gents, different. This leather juti, leather slippers. Oh wow, these all are leather? This is all are leather. This is first quality leather. First quality this leather. One, first quality. Okay. Different. Show me. How much is this? It's 80. 890? 895. 895? Yeah. So what it's good price, rare. What good price you will give me? We'll do some discount, eh? Yeah. Okay, so guys, let me select some slippers from here. This guy is here in Bangalore and he's going to show me some good one. शॉप लगी हुई है अच्छी सी, अच्छा लग रहा है फ्रूट वाला। और
यहाँ पर भी फ्रूट वाले की बहुत सारी शॉप्स हैं, उनको भी देखते हैं बढ़ेगी। सामने है भाई ब्रिगेड स्ट्रीट, यहाँ पर है सारा सामान जो कि हम खरीद सकते हैं, खा सकते हैं, पी सकते हैं। बड़ी ही मशहूर जो है वो जगह है यहाँ पे, और सब जो है वो घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, हज कर रहे हैं। चलो भाई अब जो है वो कैमरे में जो है ना माइक लगा लूँ। चले भाई ब्रिगेड रोड आ गया है, यहाँ पर बेंगलोर का मशहूर ब्रिगेड रोड। सैटरडे का दिन है, वन प्लस का स्टोर भी आ गया। वन प्लस बहुत ही फेमस जो है वो स्टोर है यहाँ का, इंडिया का, और वहाँ का स्टोर आ गया है वन प्लस। बहुत ही खूबसूरत जगह है। अरे अच्छी सी जगहें हैं शॉपिंग के लिए और खाने पीने के, सब्वे भी सामने नज़र आ रहा है। यहाँ पे सारे बच्चों के कपड़े की शॉप है, शॉप्स नज़र आ रही हैं। काफ़ी ज़्यादा बड़ा ही एंटिक शॉप है, जितने भी ज़्यादा एंटिक के आइटम हैं उसके सारे शॉप है। हर्ष पपीस सामने नज़र आ रहा है, अच्छा ब्रांड है। और मैं तो बोलता हूँ कि बहुत ही कम सिटीज़, वैसे अगर हम कंपेयर करें ना, पाकिस्तान में बहुत ही कम सिटीज़ ऐसे होंगे जैसे कि बेंगलोर है। जिस हिसाब से डेवलप हुआ हुआ है, जिस हिसाब से एक वहाँ पे जिसको आप कहते हैं कि हर चीज़ में तरीक़ेकार है, ये सामने शॉप है खाने पीने की सारी, और ये दिखा रहे हूँ मैं आपको सारी शॉप्स। बड़ा ज़बरदस्त हेलीकॉप्टर भी जा रहा है ऊपर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यह है मेन ब्रिगेड रोड बेंगलोर की। यहाँ पे सारी मैंने आपको दिखाई कितनी सारी शॉप्स हैं, खाने पीने का सामान है। यहाँ पे आप जो है वो घूम सकते हैं, फिर सकते हैं, सारा खाने पीने का सामान ले सकते हैं। बहुत ही मसरूफ़ जगह है यहाँ की बेंगलोर की, और यहाँ पे लोग जो है सब शॉपिंग करने के लिए आए हुए हैं। सैटरडे का दिन है, मेरे पीछे आप देखें कितनी सारी शॉप्स हैं, और बड़ा ही पुरसकून माहौल है शॉपिंग करने का। इस मज़ेदार मौसम बहुत अच्छा हो रहा है, धूप नहीं है, गर्मी नहीं है, तो लोग जो है यहाँ पे इस वक्त शॉपिंग करने के लिए आए हुए हैं, खाने पीने के लिए आए हुए हैं। रात में जगह बहुत ज़्यादा वाइब्रेंट हो जाती है, रात में जो है लोग शाम में यहाँ पे खाने पीने के लिए आते हैं और अपनी ज़िंदगी को यहाँ पे इंजॉय करते हैं ब्रिगेड स्ट्रीट पे। तो चलिए मैं आपको आगे लेके चलता हूँ, मुझे कुछ टूरिस्ट सी चीज़ें देखनी है, शॉपिंग करनी है, उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ। तो भाई पता अभी अभी ये चला है, ये जो है ये चर्च जो मेन ब्रिगेड रोड है,
आपको आगे तो आपको आगे लेके चलते हैं जहाँ पे मेन ब्रिगेड रोड है, ये कह रहे हैं चर्च स्ट्रीट है और ब्रिगेड रोड अभी भी आगे है। ब्रिगेड रोड या ब्रिगेड स्ट्रीट जो भी इसको कहते हैं वो आगे है। आगे आगे चलते हैं और देखते हैं कि कितनी दूर है। बड़ी वैसे ज़बरदस्त मार्केट है, अच्छे खासे ब्रांड भी हैं। क्रॉक्स भी देखा मैंने, मैंने हर कपीज भी देखा, मैंने प्यूमा भी देखा, उसके अलावा जो है वो स्केचर्स भी है, तो अच्छे खासे हैं वो तो मैंने देखे हैं। यहाँ पर सामने स्टारबक्स भी है कोने पर, तो अगर किसी को जो है वो शॉपिंग के बीच में स्टारबक्स की ज़रूरत पड़ती तो स्टारबक्स भी जा सकता है। और यहाँ पर सारी जगहें हैं, काफ़ी सारे जो है वो मुझे लेडीज़ का आइटम नज़र आ रहा है।